नमस्कार, मैं अंजनी राय, आप देख रहे हैं न्यूज नाउ लाइव। इस समय हम बलिया जनपद के बिल्थरा रोड विधानसभा 357 में मौजूद है। चुनाव सर पर है, 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसमें आइए देखते हैं किस पार्टी का जनाधार यहाँ पे काफी है। यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हुए हैं, उनसे हम विचार विमर्श भी करते हैं। और यहाँ पे एक नेता जी भी हम लोग के साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के, जो कि भावी प्रत्याशी उनको हम कह सकते हैं। बिल्थरा रोड विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं। और यहाँ पे काफ़ी जनता इकट्ठा करके चौपाल लगा के जनता को सरकार की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। और आइए देखते हैं जनता की क्या राय है। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम नंदलाल यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिल्थरा रोड के रहने वाले हैं। ये बताइए कि आपके क्षेत्र की जनता क्या कर रही है, सरकार बदल रही है कि आप पिछली सरकार को फिर ला रही है? गांव में कैसा माहौल चल रहा है आपका? गांव में यही माहौल चल रहा है कि ये सरकार विफल है। विफल है क्या? गांव की जनता, बिल्थरा रोड की जनता यहाँ की सरकार बदलने का प्रयास करेगी? ऐसी बात है कि मान लीजिए कि महंगाई देख ही रहे हैं, बेरोजगारी देख ही रहे हैं, तमाम दिक्कतें हैं, और जितने बैकवर्ड लाभी हैं और ऐसी लाभी हैं, ये सब लोग मिलकर सोच रहे हैं कि सरकार चली जाए। विधायक जी आपके गांव के हैं? हमारे गांव के नहीं हैं। अच्छा, मतलब जिस गांव में हम खड़े हैं। चलते हैं गांव के और कुछ लोग, एक चाचा जी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनसे हम बात करते हैं। चाचा जी अपना नाम बताइए। ये बताएं कि सरकार बदले के बाद कि जो सरकार बदलने लगी, सरकार बदली तो बढ़िया बाबा, बाकी अच्छा काम हो गया। आप लोग सरकार मतलब नहीं है, आप लोग सरकार बदलना चाहते हैं? सरकार अभी बदले, अच्छा काम करे तो भी बढ़िया बात है ना। मतलब सरकार आप लोग बदलने के? हाँ, बदल सकता है, ये कौन जरूरी है। मतलब एक ही आदमी चलेगा? एक ही आदमी नहीं चलेगा। किस गाँव के रहने वाले हैं? जमुआ। जमुआव गांव के ही रहने वाले बिल्थरा रोड के विधायक? यही के निवासी। यही के निवासी हैं। उनका क्षेत्र में विकास कैसा है? ठीक है, चल रही विकास, जब बढ़िया। क्या क्षेत्र में काम धाम कराए हैं? क्षेत्र का विकास तो नहीं दिखाई दे रहा है आपकी नज़र में। गांव में आपका गांव भी काफी पिछड़ा है। आपके गांव के विधायक कराए होंगे तो कराए होंगे, लेकिन इधर तो अभी नहीं कराए। आपके गांव के विधायक जी हैं, आपके गांव में भी विकास नहीं हुआ? हमारे गांव का विकास कहाँ से होगा? हमारे विधायक जो है दूसरे गाँव के विधायक हुए। अच्छा, दूसरे गाँव के विधायक हुए। चाचा जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये बताइए कि यह चुनाव आने वाला है 2 महीने, कैसा सरकार आप लोग चुनेंगे? मतलब सरकार में बदलाव चाहते हैं? बदलाव मतलब जरूरी है। विधायक जी आपके गांव के, आपके गांव के विकास को लेकर विधायक जी के द्वारा गांव में क्या विकास कराया गया है? कहीं विकास नहीं हुआ है। अब यहाँ पे माता जी लोग खड़ी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। माता जी आप लोग बिल्थरा रोड विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली हैं, ये बताइए सरकार बदलना है, चुनाव आने वाला है कि सरकार बदलना है कि जो सरकार पहले से चली आ रही है? नहीं चाहते हैं? कैसा सरकार चाहिए आप लोग के? सरकार चाहिए भैया गरीब अमीर सबके ताको। सरकार में फ्री में अनाज मिलता है, हमनी को गल जाता, ज्यादा गल जाता है। मैंने फ्री का अनाज ना चाहिए, मेहनत का अनाज चाहिए। ये सरकार फ्री का अनाज दे दिया, 500 रुपया देना, उससे बेसी हमने को मजदूरी मार देना आदमी को। अच्छा, मतलब जितनी देत देखे सरकार उससे ज्यादा सरकार ले ले, यानी कि तो उनका पूरा विचार बस नौकर कितना मतलब पैसा काट लेता अपने लोग से, मर जाता पूरा दिन बैठा करे करे तो वही पैसा हमने को। उस सरकार नहीं आज जाए प्रधानमंत्री की है, मतलब सरकार जो बैठे गरीबन का मजबूत किया जाता, फ्री में राशन देता तो हम फ्री में राशन ना चाहिए, ना चाहिए। सरकार का बदलाव चाहिए। ये भी सरकार बदल देवे के बाद सरकार बदला जाए ना, ये चाहता है गरीबी लड़का पढ़ावा नहीं जाए, उन लोग छतवीरती ले काट ले लेगा। अच्छा, मतलब सरकार में इतना महंगाई के लेके का आप लोग कराए बा? तो गरीब आदमी रो के घर ही ना लेके आई है सर, महंगाई के पढ़ावा हम महंगाई के लेके आप लोग कराए का बहुत महंगाई कर ले बा।
महंगाई बहुत ज्यादा बा। सरसों का तेल आज से 5 साल पहले मिलत रहल 80 रुपया 90 रुपया लीटर, आज कौ रुपया लीटर मिलता है? 420 रुपया हो गए बा। 420 रुपया से भी ज्यादा बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। यानी कि आप लोग सरकार से तबाह बन, बहुत तबाह बन, सरकार बदल देवे। धन्यवाद। हम चलती गाँव के कुछ और नागरिक एगो चाचा जी बना है, उनसे हम बतिया। चाचा जी कहाँ घर पड़ी आपका? मैंने घर कहाँ पड़ी आपका? घर कहाँ यही ये बतावा। इस सरकार में क्षेत्र का विधायक भी यही गांव का रहे वाला हुआ, तो अरे गांव का भैया चाचा विकास भइल बा कि ना भइल बा? गांव का विकास विकास भइल बा भैया? हम के विकास नहीं खजा देखत ना, सरकार बदल देवे के बा एबरी चुनाव में, सरकार बदले के बा कि वही सरकार भैया हमारी या तोहरी से ना बदला जाई? जनता बदली, जनता से बदलाई। हाँ। जनता का मूड क्या बना था? अब ये कर हाल हम ना बता, अपना बता पाई ना। हम चलते हैं जो कि वितरण और विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि आप इस क्षेत्र में गांव गांव घूमकर चौपाल भी लगा रहे हैं, चौपाल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, और जो इस समय सरकार है सत्ता में उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? चौपाल के माध्यम से मैं गांव गांव में घूम करके सुलेश जी की जो नीतियां हैं, सोच है, जो विचार है, जो उनकी योजनाएं पूर्व में चली है, उनको मैं बतलाने का काम कर रहा हूं। और इस सरकार को बदलना भी है, इसलिए कि अनुसूचित जाति के लोग को ज़्यादा परेशान है, यादव अनुसूचित जाति के लोग ज़्यादा परेशान हैं, फर्जी मुकदमे फंसाया जा रहा है, इतनी महंगाई हो गई है, सरकार को बदलना अच्छा होगा। आप मतलब टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं, संभवतः आप भविष्य में हैं कि विधायक जी भी? बिल्कुल, मेरे पिताजी विधायक रहे हैं रसना विधानसभा गुरहऊ राम, और हम लोग बहुत मजबूती से अनुसूचित जाति में हमारा बहुत अच्छा लगाव है, और मैं अपने बिरादरी समाज में जा रहा हूँ, बहुत अधिक से अधिक समर्थन हमको मिल रहा है, और हमारा जो न्यूज जो मीडिया के माध्यम से जो जा रहा है भैया के चैनल पर, तो उनके यहाँ जा रहा है, तो वो अगर हमको टिकट यहाँ बनाते हैं, अगर टिकट हमको दे देते हैं समाजवादी पार्टी से, तो मैं यहाँ विधायक बन जाएंगे, हमारे समाज के लोग हमारे साथ हैं। आपके साथ हैं? क्या है प्रतिदिन का आपका काम है पूरे? ये मेरा प्रतिदिन का काम है, गांव गांव में घूमना, गांव गांव में चलना, लोगों को बताना, जनमत बनाना, जनमत बनाना, सरकार हर बिंदु पर बात करना, शिक्षा हो चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जो पलायन कर गए हैं, जो देश की भावना से, जो देश की भावना से सरकार जो उत्पीड़न कर रही है, गुंडा माफिया कर रहे, कि जो जो क्या नाम है, जो 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 माफिया नहीं है उन पर अत्याचार किया जा रहा है, बदले की भावना से समाजवादी पार्टी के जो काम कर रहे हैं पदाधिकारी हैं उन पर शोषण किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, यानी कि में फंसाया जा रहा है। जनता पार्टी की सरकार बदले की भावना से, सरकार बिल्कुल बदले की भावना से सबको फंसा रही है, मुकदमे में ईडी की जांच करवा रही है, इसी तरह से बंगाल में हुआ था, और आयकर विभाग में जो बता रहा हूँ कि ये भी फर्जी तरीके से पेश आ करके लोगों को फर्जी फंसाया जा रहा है आयकर में, जबकि वो धन कमाया हुआ है, जो भी हमारे साथी हैं पार्टी के जो पदाधिकारी हैं।